हेलो फ्रेंड्स, जय स्पेशल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाया करी। अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में कि गाढ़ापन है कि नहीं ग्रेवी में, थोड़ा गाढ़ापन लग रहा है, इसमें पानी आ सकता है, तो मैं और थोड़ा पानी डालूँगी इसमें। तो मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाला है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे 10 मिनट। आप यहाँ पर पानी की जगह पाया का स्टॉक डाल सकते हैं, उससे और भी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पानी यूज किया है। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम लीड हटा के देखेंगे सब्ज़ी हमारी पकी क्या। पाया तो पहले से पके हैं, पर हमें ग्रेवी देखनी है, ग्रेवी का स्ट्रक्चर कैसा हुआ। स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट होना चाहिए। 10 मिनट्स हमने पकाया तो प्याज भी हमारे थोड़े पक जाने चाहिए, अच्छे गल जाने चाहिए, क्योंकि हमने लाल होने तक पकाए थे। तो आप देख सकते हैं सब्जी का ग्रेवी का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आया है। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, हमारी सब्जी एकदम रेडी है, ओके है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी हरे धनिया से। हरे धनिया मिक्स करने के बाद मैं इसे सर्व करूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बनाई है मैंने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने एक प्लेट में सब्जी सर्व कर ली है। देखते ही लग रहा कि बहुत ही परफेक्ट बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हैप्पी।